बच्चों न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में एक और क्वेश्चन देखते हैं आप, हालांकि इसकी थ्योरी बता चुके हैं और इसको न्यूमेरिकल में बताते हैं। यहां पर दो बॉडी हैं 10 किलोग्राम 20 किलोग्राम, जिस पर बोथ आर कनेक्टेड बाय स्ट्रिंग एंड इन वन बॉडी द फोर्स 600 अप्लाइंग इन वन डायरेक्शन। तो देखिए 600 न्यूटन का फोर्स यहां से लग रहा है जो कि दोनों बॉडी जो है एक्सीलरेट कर रही है। हमें को निकालना है, क्वेश्चन कहता है टेंशन बताइए क्या। तो देखिए टेंशन किसकी वजह से होगा, इस पर टेंशन इसकी वजह से होगा, ये इसको पीछे घसीटने की कोशिश कर रहा होगा, ये वाला इसको पीछे घसीटने की कोशिश कर रहा होगा और ये फोर्स इसको आगे घसीट रहा है। अब इसको कौन घसीट रहा है, तो इसको आगे की तरफ टेंशन फोर्स घसीट रही, यही वाला टेंशन फोर्स जो हमने थ्योरी में आपको बताया था। अगर ये चीज ना समझ आए तो थ्योरी में आप देख सकते हैं जहां हमने थ्री बॉडी डायग्राम थ्योरी बताया है। तो पूरी जगह पर टेंशन सेम होगा, यहां पर मान ले हम एज्यूम कर लेते हैं, ऐसा कोई पॉइंट नहीं है, यहां एज्यूम कर लेते हैं ये टेंशन फोर्स इस तरफ है, इसको इधर ले जाने वाला टेंशन फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, यानी म्यूचुअली जो है आपस में इक्वल होंगे। इसको ये घसीट रहा है अपनी तरफ और इसको ये इसको अपनी तरफ घसीट रहा है और ये इसको अपनी तरफ घसीटने की कोशिश कर रहा है इनर्शिया की वजह से। तो अब सवाल उठता है कि इस पर हम न्यूटन का फॉर्मूला लगाएंगे, तो न्यूटन का फॉर्मूला क्या है, फोर्स माइनस टी, फोर्स माइनस टी क्या आंसर आएगा, एम इंटू ए, क्योंकि ये एक्सेलरेशन से मान ली जा रही है तो क्या हो जाएगा एम इंटू ए। हम लोगों को एक्सेलरेशन दिया होगा, नहीं दिया है कोई बात नहीं। तो देखिए यहां पर एम इंटू ए, इसको अगर हम मान लें एम वन और इसको मान लें हम एम टू, तो क्या हो जाएगा एम टू ए, ठीक है। अब इस पे आ जाइए इस वाले पे, तो इस पे क्या होगा T इज इक्वल टू, क्योंकि पीछे कोई फोर्स है नहीं तो यही फोर्स है T इज इक्वल टू एम वन ए, ठीक है। अब यहां देखिए F, F हमको दिया है 600, पहली इक्वेशन की बात कर रहे हैं, T हमको निकालना है, M2 की वैल्यू है 20 और A हमको नहीं मालूम। सिमिलरली T जो है क्या है M1, M1 कितना है 10, ए हमको नहीं मालूम। तो अब क्या करें, यहां से ए की वैल्यू फाइंड करें, ए की वैल्यू क्या हो जाएगी टी अपॉन 10 और इस पर वैल्यू पुट कर दें, तो देखिए 600 माइनस टी 20, ए की वैल्यू हो जाएगी टी बाई 10। अब ये देखिए यहां से ये जीरो कैंसिल हो गया, क्या बचा यहां 2t बचा, 600 माइनस टी, टी उधर चला जाएगा तो 3t हो जाएगा 600, तो टी की वैल्यू क्या हो जाएगी 200 न्यूटन, यानी फोर्स है ये 200 न्यूटन का फोर्स इस पर काम कर रहा होगा, ठीक है 200 न्यूटन का फोर्स काम। अगर टेंशन आ गया, अब आप यहां से वैल्यू करके तो एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हैं, हालांकि क्वेश्चन में नहीं पूछा है लेकिन तो कैसे, तो टी हमारा कितना दिया 200 और ये 10 हो गया, कैंसिल हो गया 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये एक्सेलरेशन की वैल्यू हो जाए। उम्मीद है बच्चों समझ में आई होगी बात, अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, ठीक है, गुड बाय।